हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़। ये जो आपको दिया हुआ है टेबल, इसके अंदर 35 सिटीज़ की लिटरेसी रेट दे रखी है और वो परसेंटेज में दी हुई है। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, तो आपको मीन लिटरेसी रेट निकालनी है, यानी कि क्वेश्चन में निकालना है आपको मीन। अब इसको हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, और स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए फॉर एज्यूम प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई और इनटू में हाइट। चलिए, एज्यूम हमें मिलता है जो हमारी एक्स आई होती है, एक्स आई में से निकलता है। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन दिखे ना, आप सबसे पहले जो है ना, ये जो क्लास इंटरवल होता है इस पे आप नज़र डालिया करें। अगर ये आपका कंटिन्यूस में है फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है, अगर कंटिन्यूस में नहीं होता है तो फिर आपको इसे कंटिन्यूस बनाना पड़ता है। ऐसा एक एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 में है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका कंटिन्यूस है। फ्रिक्वेंसी दे रखी है 45 से 55%, लिटरेसी रेट 3 सिटीज़ की है। ऐसे 10 शहर ऐसे हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट 55 से 65% है। अब यहाँ से आपको मिड वैल्यू निकालनी है, जिसे हम एक्स आई बोलते हैं, और ये निकलती है आपके इस क्लास इंटरवल में से। तो मिड वैल्यू निकालने का जो तरीका होता है वो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 45 को 55 प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 100, 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 50। तो इस इंटरवल की जो एक्स आई आई, ये आई 50। अब यहाँ पे जो गैप है इनके बीच में वो 10 का है, तो आपको बार बार ये एक्स आई निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में मैं आपको बिल्कुल ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनसे आपका टाइम बचेगा। सबसे पहला तो ये कि आपको एक बार एक्स आई निकल जाए और आपको पता हो कि सारा का जो इंटरवल है सारे में गैप सेम है, तो उतने ही गैप से ये आपका एक्स आई बढ़ता है आगे। 10 का गैप है इसके अंदर तो ये 60 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा इन दोनों का, इन दोनों को करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, और यहाँ से आपका मिड वैल्यू 90 आ जाएगी। अब इसमें एज्यूम निकालते हैं, एज्यूम हमें एक्स आई से मिलता है और लगभग बीच वाला जो होता है उसे हम एज्यूम ले लेते हैं। तो यहाँ जो 70 है ये बीच में आ रहा है, मैंने इसको एज्यूम्ड मान लिया। अब फॉर्मूले में एफ आई यू आई, ये जो यू आई होता है, यू आई हमारा होता है एक्स आई माइनस एज्यूम्ड अपॉन में हाइट। इस क्वेश्चन के अंदर हाइट वही है जो इनके बीच का क्लास इंटरवल का गैप है, तो क्वेश्चन में जो हाइट है इसके अंदर वो 10 है, इसीलिए तो यहाँ 10 10 बढ़ा है। अब यहाँ पर एक्स आई में से आपको माइनस करना है 70 और फिर उसको डिवाइड करना है 10 से। तो बीते जितने भी क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैंने स्टेप डेविएशन से किया है, वहाँ पर मैंने यू आई निकालने से पहले डी आई निकाला है और डी आई को फिर हाइट से मल्टीप्लाई करके यू आई निकाला है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। चलिए, अब यहाँ पे आपको यू आई निकालना है तो एक्स आई में से 70 माइनस करेंगे, यानी कि 50 में से आपको ये 70 माइनस करना है जिसे आपने एज्यूम्ड ले रखा है, और फिर इसको करना है डिवाइड 10 से। तो 50 में से 70 माइनस करेंगे तो माइनस 20 आएगा, और माइनस 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस 2 आएगा। अब यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि ये बार बार आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो चीज़ आती है, यहाँ माइनस 2 से शुरू हो गया ना आपका, अब इससे यहाँ माइनस 1 आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो इसमें आपको बार बार कैलकुलेशन में जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये चीज़ मैंने आपको इसमें नहीं बताई वीडियो के अंदर। अब एफ आई यू आई निकालना है, एफ आई यू आई निकालना है तो इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ये है मेरा एफ आई और ये है मेरा यू आई, तो यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ ताकि मुझे साफ दिखे कि कौन से टेबल्स को मुझे यूज़ करना है। 3 2s are 6 और माइनस का है तो माइनस का 6, 10 1s are 10 माइनस का 10, 11 0s are 0, 8 1s are 8 और 3 2s are 6। अब इनका सम भी निकालना है, तो इनका सम यहाँ पे देखें, मैंने दो नंबर माइनस के हैं तो माइनस माइनस के तो हो गए ये 16, और ये प्लस के हैं दो, ये मिलकर बन गए 14। प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो आंसर आया माइनस का 2, क्योंकि माइनस बढ़ा है
तो यहाँ इनका आंसर -2 आया। अब अपने फॉर्मूले में हमको सारी चीज़ें मिल गई हैं, एज्यूम पता चल गया, ये रहा हमने 70 लिया हुआ है, एज्यूम की जगह 70 भर दिया, एफ आई यू आई की जगह पे -2 लेना है तो यहाँ -2 ले लिया मैंने, और नीचे एफ आई की जगह जो समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज है ये 35 है तो 35 ले लिया, और हाइट यहाँ पे 10 है। अब सॉल्व करें तो 70 आ गया, और ये जो 10 और 35 है ये कट गए 5 के टेबल से, 5 2s are 5 7s are, और ऊपर 2 2s are 4 हो गया, और माइनस और प्लस मिलके माइनस, तो माइनस का 4 और ये अपॉन में 7। यहाँ पे 70 को मैं अकेला लिख लेता हूँ, और ये माइनस, और 4 को 7 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा, और 5 पे चला गया ये 35, फिर बचा 5, पॉइंट लगा रखा है तो 0 लग जाएगा, 7 7s are 49 आ गया, और ये 1 बचा, और ये 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा है, और 7 1s are 7। बस पॉइंट के बाद आपने 3 तक निकाल दिया, बहुत होता है ये, तो 0.571। अब इसे आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, इसे आप थोड़ा राउंड ऑफ करना चाहें तो ये कर सकते हैं, 70 माइनस 0.57 लिख लीजिए खाली, क्योंकि ये 1 तो बहुत छोटा है तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ 0.57 से भी बात बन जाएगी। अब इसमें से माइनस करना है आपको 70 में से, तो 70 के आगे कहीं पॉइंट नहीं है ना, तो पॉइंट यहाँ पे होता है। डेसिमल्स में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, जब किसी नंबर में डेसिमल नहीं होता है तो उसके लास्ट में होता है, और डेसिमल के नीचे ही डेसिमल उतरना ज़रूरी होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 5 और 7 तो राइट साइड में लिखे जाएंगे ऐसे, और यहाँ पर ही 0। अब इसे माइनस करते हैं, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे 9 रह गया 9 आ गया, यहाँ 6 रह गया 6 आ गया, तो आंसर आया 69.43। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ज़रा इसको बुक की लैंग्वेज में आंसर में लिख देते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा है हमसे, मीन यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आंसर, मीन लिटरेसी रेट इज इक्वल टू 69.43, और ये परसेंट में है ना, तो परसेंटेज लगाना है आपको। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसमें बेसिकली मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई जिससे आपका टाइम बचता है। एक तो ये कि जब आप एक्स आई निकालते हैं ना, तो जो आपका पहला एक्स आई आ जाए बस उसके अंदर आप जो इनके बीच का गैप है ना, जिसे हम हाइट बोलते हैं, वो ऐड करते हुए चले जाएं, बार बार करने की आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ ये बताई कि जब आप यू आई निकालते हैं तो आपका जो पहला यू आई होता है ना, उसके बाद उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें नंबर को, -2 आ गया, फिर इससे बड़ा वाला -1, जैसे कि नंबर लाइन होती है ना, -2 के बाद इधर होता है राइट में -1, इससे बड़ा 0, इससे बड़ा 1, इससे बड़ा 2, ये क्यों आते हैं ये आप अपने आप खुद समझ जाएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60 है, 60 में से 70 जाएगा तो -10 बचेगा, -10 को 10 से करेंगे तो -1 आएगा। आप यहाँ प्रैक्टिकली करके देख लेना, ये हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होती है ये चीज़। ये जो 2 चीज़ें हैं ना, F5 वाली चीज़ जो मैंने डिस्टेंस बताया 10 वाला, और यहाँ पे ये जो नंबर लाइन वाली चीज़ बताई मैंने कि ये नंबर लाइन के हिसाब से ऐसे बढ़ते जाते हैं, ये आपके हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होती है। तो हर क्वेश्चन में आप ये टाइम बचा सकते हैं, तो इनमें बार बार निकालने में, सॉल्व करने में आप टाइम वेस्ट मत करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।